हेलो, वेलकम टू डिजिटल शाके। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप एलिमेंटर प्रो के थ्रू कैसे एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट हेडर बना सकते हैं, जिसमें बैनर जो है वो मेन्यू के आपके हेडर के बिल्कुल नीचे की तरफ रहे और ऊपर में उसके लिखा रहे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरफ में लोगो है, एक मेन्यू है, एक बटन है और वो जो बैनर इमेज है हमारा वो एकदम हेडर के नीचे, और हेडर जो है अपना ट्रांसपेरेंट है। ठीक ना, हेडर अपना जो है ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद हम इसमें कोशिश करेंगे कि इसको स्टिकी भी बनाएं। इसको स्टिकी भी बनाना देख लेते हैं तो हम सीख जाएंगे, ये देखिए वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद स्टिकी इफेक्ट्स भी डालने की कोशिश करेंगे। चलिए, इसके लिए आपको एलिमेंटर की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो सबसे पहले एलिमेंटर प्रो की जरूरत पड़ेगी। फ्री में हेडर फुटर डिजाइन करने का आपको ऑप्शन नहीं है, उसके लिए प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप सोच रहे हैं कि प्रो बाय करें। तो सबसे पहले चलिए हम अपने डैशबोर्ड में चलते हैं। एलिमेंटर में टेम्पलेट्स आएगा, उसमें थीम बिल्डर में जाएंगे। इसमें एक हेडर ऑप्शन है, हेडर ऑप्शन में जाएं क्योंकि हेडर क्रिएट करना है। एड न्यू हेडर जाएं, सिंपल है। इसमें देखिए बहुत सारे चीज़ें आप जो क्रिएट कर सकते हैं। हमें हेडर क्रिएट करना है इसलिए हेडर रहेंगे। जब आप वूकॉमर्स इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट पेज, प्रोडक्ट आर्काइव पेज, सब कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर प्रो के थ्रू। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप सिंपल वेबसाइट बनाना चाहते हैं अपने लिए या क्लाइंट के लिए, तो कोई एक अच्छा सा थीम, ऐसा थीम चूज़ करें जो बहुत ही कंपैटिबल हो दूसरे प्लगइन्स के साथ, जैसे एस्ट्रा हुआ, ओशन WP हुआ। बहुत ही अच्छा थीम है, लाइट वेट है, कस्टमाइजेबिलिटी एक नंबर है, बहुत अच्छा थीम है। हाँ, ऑब्वियसली अगर आपको फंक्शनल थीम्स की ज़रूरत है, जैसे LMS बनाना है या लिस्टिंग प्रो, ये सब के वेबसाइट चाहिए, तो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन बिजनेस वेबसाइट या फिर सिंपल ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए आप एक अच्छा प्लेन थीम चूज़ करें। और एक पेज बिल्डर, जैसे कि एलिमेंटर प्रो जो सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली पेज बिल्डर है, उससे सेलेक्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक टेम्पलेट का नाम देना है हमें, तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट हेडर दे देता हूँ। ये इससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने याद करने के लिए इसको रखें। ऑल राइट, तो एलिमेंटर ओपन हो जाएगा। अब जो थीम फॉरेस्ट के भी थीम आ रहे हैं ना, जो नए नए आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि एलिमेंटर कॉम्पैटिबल थीम्स हो, क्योंकि बहुत ही ईजी टू यूज़ है। यहाँ से आप बहुत सारे हेडर टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं, बट हम इसे बंद करके अपना बनाने की कोशिश करेंगे। तो हेडर जनरली 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इस तरह से आप बनाते हो, जैसे एलिमेंटर यूज करते हो उस टाइप का हो गया ये। तो चलो मैं मान लेता हूँ 2 ही कॉलम का सिंपल रखते हैं। मैंने एक मेन्यू पहले से क्रिएट किया हुआ है, अपीयरेंस में जाके आप मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, 2-3 पेज डाला हुआ है मैंने। ओके, तो 2 कॉलम में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहले मैं इसमें कुछ कुछ डाल देता हूँ। जैसे फर्स्ट में मेरा साइट टाइटल रहेगा, मेरे साइट का नाम है प्लेग्राउंड। तो जैसे मैंने ड्रैग किया, ड्रॉप किया, वो खुद ब खुद आ गया, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं एक मेन्यू डाल देता हूँ इसमें। ओके, मेरा छोटा सा मेन्यू है, आप जैसे चाहे उसको डिजाइन कर सकते हैं। आप यहाँ से देखो कलर चेंज कर सकते हो मेन्यू को, हैमबर्गर मेन्यू बना सकते हो, कोई भी बना सकते हो। ऑल राइट, तो ये हो गया मेरा। इसको लेकिन देखो वर्टिकली अलाइन नहीं है दोनों, तो इसको हम इस कॉलम पे क्लिक करें, वर्टिकल अलाइन में जाके मिडिल कर दें, तो ये मिडिल हो गया। सेम इसको भी जाके हम वर्टिकल अलाइन में मिडिल कर दें, तो वो मिडिल ही था। एनीवे, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरा जस्ट एक हेडर क्रिएट हो गया। अच्छा, अब फिर मैं ये जो टॉप हेडर बार है मेरा, उसको एडिट करते हैं, पूरा हेडर को, सेक्शन को नहीं, पूरा हेडर सेक्शन को एडिट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पे तो सब कुछ ठीक लग रहा है, हम स्टाइलिंग में जाएंगे। स्टाइलिंग में जाके मैं ये पूरा हेडर सेक्शन को ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। ठीक है, पूरा हेडर सेक्शन को अगर हम कलर है उसको उसको इसको इसको पूरा खींच दे अगर, तो ये ट्रांसपेरेंट हेडर हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, हेडर जो है हमारा पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा एक चीज मैंने बताना भूल गया, यहाँ से आप हाइट जो है ना इसका कुछ मिनिमम हाइट सेलेक्ट कर लो। देखो जैसे मिनिमम हाइट को 400 किया हुआ है, तो इतना बड़ा हो गया। इसको मैंने कितना कर लू, 100 कर लू, 90 कर लू, चलो 90 ठीक है, 90 पिक्सल मैंने मिनिमम हाइट कर लिया। इस चीज को आप याद रखो, नहीं भी याद है तो यहां से देख लेना। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये हाइट जो है ना मिनिमम हाइट हेडर का, उतना ही जो मेरा नीचे का बैनर है उसको हमको घटाना पड़ेगा। 90 पिक्सल से अगर हम घटाएंगे तो वो मार्जिन ऊपर का कम होगा और मेरा हेडर आके मेरा बैनर आके हेडर के नीचे बैठ जाएगा। तो ये जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। तो मैंने इसको मिनिमम हाइट 90 कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टाइलिंग में मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया।
एडवांस सेक्शन में जाके हम क्या करें, इसका बॉटम जो है उसमें मार्जिन दे दें, कितने का 90, और इसको आपको ऐसे आके लिखना होगा, ठीक है, माइनस 90 कर दिया। तो ये अपने आप जो है बॉटम से मैंने मार्जिन कम किया, तो क्या हुआ कि नीचे वाला जो कंटेंट होगा, बैनर होगा मेरा, वो ऊपर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग जो है इसके लिए प्लगइन, अच्छे अच्छे मैंने देखा है यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स है जिसके लिए प्लगइन यूज़ करते हैं, ये जेड इंडेक्स है। जेड इंडेक्स अगर हम 1 या 10 सेट कर देंगे ना, तो ये हेडर जो है ऊपर रहेगा, कोई भी चीज़ उसके ऊपर नहीं आएगा, ये ऊपर रहेगा मेरा, बात समझ रहे हैं आप। और उसके बाद सी एस एस आई डी या सी एस एस क्लास अगर आप करना चाहो तो कस्टम सी एस एस यहाँ से भी कर सकते हो। तो खैर अभी हम पब्लिश करते हैं। ये पूछता है एड कंडीशन, तो हम इसको इंटायर साइट में दिखा सकते हैं, कुछ पेजेस में दिखा सकते हैं, हम इंटायर साइट में दिखाना चाहेंगे, सेव एंड क्लोज। ओके, एक बार ये हो गया तो हम अपने वेबसाइट को जरा रिफ्रेश करें, ये पहले का है, इसको बंद करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं डैशबोर्ड एक बार खोलता हूँ। तो ये वेबसाइट अगर हम ओपन करें अपना, तो देखिए कैसे किस तरह से हेडर हमारा पब्लिश हुआ। वाह, टेरिफिक, हेडर जो है हमारा बैनर जो है ऊपर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, बैनर को मार्जिन कम किया था, तो वो ऊपर आ गया, ठीक, मिडिल में है, सब कुछ ठीक है। जेड इंडेक्स क्योंकि 10 करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो ऊपर दिखेगा, और ट्रांसपेरेंट है। अगर इसका आपको कलर पसंद नहीं है तो कलर, जैसे मैं इसको वाइट कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। आप कस्टम, ये हेडर बनाने का ट्यूटोरियल नहीं है, ठीक है, इसलिए आप हेडर जो है अपने हिसाब से बिल्कुल बना सकते हैं। हेडर वाइट कर दिया तो यहाँ दिखेगा नहीं, बट अगर हम इसको अपडेट कर दें और रिफ्रेश कर दें पेज, तो यहाँ हमें ब्लैक में बैकग्राउंड में ज़रूर दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारा हेडर तैयार हो गया। हाँ, इसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आप प्लीज़ इसको अच्छे से बनाएं। इसको मैं मिडिल कर देता हूँ, मान लो सेंटर करके अपडेट कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा हेडर, एक ट्रांसपेरेंट जो बैनर के नीचे आ गया। अब मैं चाहूंगा कि इसमें स्टिकी इफेक्ट डालूं, स्टिकी इसको कर दूं, हेडर हमारा स्टिकी रहे जब हम नीचे स्क्रॉल करें। देखो अभी नीचे जा रहे हैं तो हेडर गायब हो गया, तो ये स्टिक कर जाए। तो उसके लिए भी एलिमेंटर प्रो में ऑप्शन है। अच्छा, फिलहाल के लिए ना मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि हमें दिखेगा, बाकी वापस वाइट तो कर ही देंगे हम। साइट टाइटल ब्लैक किया ना, क्या हुआ, ओके, ये कर दिया कलर, सिर्फ हमें दिखना चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये रहा, इसको अपडेट कर देते हैं फिलहाल के लिए, सिर्फ हमें दिखना चाहिए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। हाँ, तो हमें स्टिकी करना है। स्टिकी के लिए भी आप इसको पूरा हेडर को एडिट करेंगे, तो पूरा हेडर सेक्शन को सेलेक्ट किया और ये सब तो ठीक है। मोशन इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे देखो स्टिकी है, स्टिकी टॉप करना है हमें, तो टॉप कर देंगे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि डेस्कटॉप पे आपको स्टिकी हेडर दिखाना है, टैबलेट पे, मोबाइल पे, सब कुछ पे। ऑफसेट सेट कर सकते हो, मतलब कितना स्क्रॉल करेंगे पिक्सल तो स्टिकी होना शुरू होगा, ये सब हम कर सकते हैं, बट सिंपल अभी रखें। अपडेट करके इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं क्या इफेक्ट हुआ इसमें। ओके, कलर चेंज किया था हमने, अब ये देखो स्टिक हो गया, स्टिक हो गया लेकिन ट्रांसपेरेंट है, तो अच्छा नहीं लगा। तो हम क्या चाहेंगे कि जब ये स्टिक हो, स्टिकी होना शुरू हो, हम नीचे जा रहे हैं, स्टिक होना शुरू हो, तो इसका कलर थोड़ा चेंज हो हेडर का, है ना, ट्रांसपेरेंट ना रहे वो। उसके लिए एलिमेंटर प्रो में सीएसएस लगा सकते हो आप, अगर आपको सीएसएस करना है, बट मेरा ट्यूटोरियल जनरली इसलिए होता है कि सीएसएस ना दे। तो हम एक प्लगइन का यूज करेंगे जो बहुत ही लाइट वेट है, आप ऐसा मत सोचना ये आपके वेबसाइट को स्लो कर देगा, फ्री प्लगइन है, कोई इशू नहीं है। तो वो प्लगइन का नाम है, मैं बताता हूँ, एड न्यू प्लगइन में जाओ आप, और सर्च करो स्टिकी इफेक्ट्स, स्टिकी इफेक्ट्स सर्च करो। अगर हम स्टिकी इफेक्ट्स सर्च करेंगे तो ये रहा, ये वाला प्लगइन, स्टिकी हेडर इफेक्ट्स फॉर एलिमेंटर रॉटनर, जो भी नाम है उसका प्लगइन है। इंस्टॉल करेंगे आप, एक्टिवेट करेंगे, मैं इंस्टॉल करके रखा है, मैं एक्टिवेट कर रहा हूं। इसको एक्टिवेट करने से, ये तो हमारा, इसको एलिमेंटर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो देखो सिर्फ ये लाइट वेट प्लगइन है, एक फीचर सिर्फ ऐड करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, फ्री प्लगइन है तो आप प्लगइन के इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो जब हम ये एलिमेंटर को रिफ्रेश किया और ये अपना हेडर सेक्शन हम वापस सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मोशन इफेक्ट्स के साथ साथ ये वाला एक रो ऐड हो गया, स्टिकी हेडर इफेक्ट्स, ये हमारे प्लगइन की वजह से।
अब इस पे हम क्लिक करेंगे, स्टिकी तो हमने पहले ही बनाया हुआ तो इनेबल कर दे इसको, ये भी बोल रहा है कि स्टिकी ऊपर में भी इनेबल होना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल डिस्टेंस हम यहाँ से चूज कर सकते हैं 60 पिक्सल, कितना पिक्सल पे, ट्रांसपेरेंट हेडर, इनिशियल ट्रांसपेरेंट हेडर होना चाहिए, ठीक है ना। और हेडर बैकग्राउंड, चूज बैकग्राउंड कलर आफ्टर स्क्रोलिंग, तो क्या कलर होना चाहिए वो हमें सेलेक्ट करना है। मान लो मैं आपको दिखाने के लिए कुछ ऐसा कलर कर देता हूँ और इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ ये विजिबल नहीं होगा, इसको यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं। देखिए किस तरह से स्टिकी हेडर में इफेक्ट्स आएगा। स्टिकी हेडर हम एलिमेंटर प्रो तक बना सकते हैं, लेकिन उसको इफेक्ट देने के लिए ये देखो, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडर का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जा रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा ना कलर, तो कलर इसको चेंज कर सकते हैं। अभी इसको वापस वाइट कर देते हैं, वाइट में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। साइट टाइटल में जाके अगर हम इसको कलर चेंज कर दें वाइट में, यहाँ तो ना दिखेगा लेकिन वहाँ ज़रूर दिखेगा। ओके, इसको भी एडिट कर देते हैं, मेन्यू में जाके स्टाइल में जाके इसे हम वाइट कर देते हैं, नॉट प्रॉब्लम, अपडेट, ठीक है। एक बार और रिफ्रेश करके चेक करते हैं, हाँ ये रहा वाइट, बहुत अच्छा लग रहा। अब हम इसको हेडर जब कर रहे हैं तो देखो ये स्टिकी हो गया और कलर भी अपना हेडर का चेंज हो रहा है। इसमें अब और हम प्ले कर सकते हैं, इसमें आप और जब सीखोगे धीरे धीरे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसी में श्रिंक इफेक्ट डाल सकते हो कि थोड़ा वो श्रिंक हो, कितना श्रिंक हो वो भी आप इसमें मेजर कर सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने, वैसे तो मेरा पिक्सल पहले ही से कम है तो श्रिंक कितना होगा, लोगो आप श्रिंक कर सकते हो, चूज लोगो हाइट आफ्टर, बट मेरा लोगो है ना इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, बट यू कैन प्ले अराउंड और इससे आपको सब कुछ बहुत ही ईजी लगेगा। इसका आपको मान लो वाइट कलर का नहीं, कोई लाइट कलर करते हैं, इसमें ही थोड़ा लाइट रखते हैं जब वो हेडर चेंज हो, और श्रिंक भी कर दिया, अपडेट करते हैं, अपडेट हो गया, रिफ्रेश करके देखते हैं लास्ट क्या होता है। ओके, तो अब जब मैं, ओ देखो थोड़ा सा ये देखो श्रिंक किया है ना, देखो इतना हेडर है मेरा, ये देखो इतना हेडर है वो श्रिंक कर रहा है और कलर भी बहुत अच्छा लाइट आ रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, ये काफी अच्छा दिख रहा है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, नीचे अंदर का भी दिख रहा है और सेमी ट्रांसपेरेंट। तो इस तरह से आप जो है एक एलिमेंटर प्रो के साथ आप हेडर फुटर सब कुछ डिजाइन कर सकते हो। मैंने इस ट्यूटोरियल में आपको दिखाया कि कैसे आप हेडर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हो, स्टिकी कर सकते हो, और एक प्लगइन, छोटा सा लाइटवेट प्लगइन के थ्रू कितना अच्छे अच्छे उस पर आप इफेक्ट्स डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़े व्यूज़ आते हैं मुझे अच्छा लगता है और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।